हमारे जीवन में साइलेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। मौन कई बार सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होता है, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि जब आप बहुत अधिक बोलते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके शब्द हैं उनमें जो भार है या उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने अनेक स्थानों पर इस बात की चर्चा की है कि समय के अनुसार मौन धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। यदि आप विद्वत जनों की सभा में बैठे हुए हैं तो विद्वत जनों की सभा में मौन रखना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप वहां पे मौन रखते हैं तो आप वहां पे निश्चित रूप से विद्वता की श्रेणी में नहीं आएंगे, वहां पे अपने आपको अपनी विद्वता को भी सिद्ध करना होगा। लेकिन सामान्य व्यवहार में या ऐसे लोगों के बीच में जो बहुत अधिक विद्वान नहीं हैं या मूर्ख हैं, वहाँ पर मौन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब भी आप किसी ऐसी अनटॉवर्ड सिचुएशन में जाते हैं, आज के समय में आप देख रहे हैं कि रोड रेज, हर आदमी जो है क्रोध में है, अनसेटिस्फाइड है, समस्याओं से ग्रसित है, तनाव में है, वहाँ पर थोड़ा सा भी अल्टरकेशन बहुत बड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है और अनेक बार तो लोगों की जान पे बनाती है। यदि हम इस स्थिति में थोड़ा सा मौन रख के, साइलेंस होकर के और कुछ न बोलें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी विपदा को रोका जा सकता है, क्योंकि जीवन से अधिक महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए धैर्य प्राप्त करने के लिए मौन का होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में अनेक जगहों पर इस बात की व्याख्या की गई है कि आप जीवन जीने की जो कलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की कलाएं, यूं तो उनमें बहुत सारी बातें होती हैं, अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई कि अवस्थानुसार कभी कभी चुप रहना बहुत अच्छा होता है और निश्चित रूप से इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। इसलिए साइलेंस का प्रयोग कभी कभी अवश्य करना चाहिए, जब भी समय मिले तो इसका प्रयोग करना चाहिए। और बहुत अधिक बोलने से अच्छा है कि आप बहुत कम लेकिन सारपूर्ण बोलें।